बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जुगनू फूड में खुश आमदीद। दोस्तों, आज से पहले आपने बेशुमार दफ़ा मीठी चटनी खाई होगी और बेहद मज़ेदार भी खाई होंगे, लेकिन जो रेसिपी आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा, ऐसी चटनी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी इंशाल्लाह। ये मेरी अपनी रेसिपी है और आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं क्या वाकई आपने पहले कभी इतनी मज़ेदार चटनी खाई है। खुशक खुबानी की ये मीठी चटनी मछली के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। मछली किसी भी फार्म में हो, ग्रिल पे हो या फ्राई फिश हो, आप ये चटनी मछली के साथ खाएं। ये स्पेशली मैंने मछली के लिए बनाई है और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये चटनी आपसे कैसे बनी। चलें देखते हैं ये मीठी चटनी, खुशक खुबानी की चटनी किस तरह बनाई जाती है। ये चटनी बनाने के लिए हमने एक पाव यानी 250 ग्राम खुशक खुबानी ली है और उसको अच्छी तरह वाश करके नीम गर्म पानी में भिगो दी हैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। ये मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगोई थी। ये देखें आपके सामने ये कंडीशन है, ये तकरीबन फूल चुकी हैं, पानी इन्होंने सोक कर लिया है, सारा जज़ब हो चुका है। अब हम मज़ीद इसको किस तरह बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। हमने इसको एक ब्लेंडर में डालना है और उसमें पानी नहीं मिक्स करना बल्कि सिरका मिक्स करना है, वाइट विनीगर जो होता है ये सिरका मिक्स करना है, और 2 कप चीनी हमने डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। ये देखें ये ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड हुई चटनी में अब हम मज़ीद ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद नमक। जी 1 टीस्पून हमने सफ़ेद नमक इसमें शामिल करना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये 2 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है और इसमें हम शामिल करेंगे 4 टीस्पून ज़ीरा, वो भी कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 4 टीस्पून हमने इसमें शामिल करना। ये 3 अज्जा हमने इसमें शामिल किए हैं। चटनी को हमने सिरके में ब्लेंड किया है, पानी इस्तेमाल नहीं किया, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स किया। खुबानी की मीठी चटनी जो मछली के साथ खाई जाती है ये तैयार हो चुकी है और ये बेहद मज़ेदार बनती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ इसी तरीके से रابطے में रहें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम।